जय हिंद साथियों। रेलवे एसएससी डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है ये कि अभी अगले 18 महीनों में 10 लाख वैकेंसी आने वाली है। अब ये 10 लाख वैकेंसी कहां से आने वाली है, कैसे आने वाली है, कैसे पता चला, इन सब की बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं देखो दो चार बातें बता दूं। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले रघुराम राजन का एक ट्वीट बड़ा ही फेमस हो रहा था। ट्वीट ये था कि इंडिया में बहुत जल्दी अनएम्प्लॉयमेंट का एक सैलाब आने वाला है। आप लोग देखते हो जीटीजीएस में भी बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है कि आपके आसपास जितने भी छोटे मोटे देश है, चाहे वो नेपाल हो या श्रीलंका हो, वो सब कहीं ना कहीं बेरोजगारी समस्या उसके साथ साथ वित्तीय आपातकाल से जूझ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। मोदी सरकार का ये जो बड़ा फैसला है ये है कि अब अगले 18 महीनों में मोदी सरकार 10 लाख वैकेंसी को जारी करेगा। और ये जारी नहीं करेगा बल्कि 10 लाख वैकेंसी को पूरे 18 महीने में फिल कर देगा। ठीक है, ये इस बात की पुष्टि कहां से हुई, मैं आपको इस बात की पुष्टि के लिए दिखाता हूं। इस बात की पुष्टि जो होती है वो मोदी जी के कह सकते हो पीएमओ के ट्वीट से होती है। कैसे, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। इसमें देखिए साफ साफ ये ट्वीट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 14 जनवरी 2022 का ट्वीट है ना। तो पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि अगले 1.5 सालों में, 1.5 साल मतलब 18 महीनों में लगभग 10 लाख वैकेंसी को जारी किया जाएगा। ओके, तो अगले 1.5 सालों में 10 लाख वैकेंसी को जारी किया जाएगा। ये न्यूज जो है अभी 14 जून की न्यूज है, मतलब अभी कह सकते हो कि सुबह सुबह की न्यूज है, दोपहर में ये खबर आ चुकी थी। उसके साथ साथ ये खबर की पुष्टि ऐसे बहुत बड़े बड़े न्यूज पेपर वालों ने भी किए, चाहे वो द हिंदू का पेपर हो बरा। तो उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगले 1.5 महीनों में, अगले 1.5 सालों में 10 लाख वैकेंसी जारी करने वाली है। इसका एक और प्रूफ है, इसका एक और सबूत है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये द हिंदू के पेपर से। तो द हिंदू के पेपर में भी साफ साफ अनाउंसमेंट है कि पीएम अनाउंस 18 मंथ डेडलाइन फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टू 10 लाख पोस्ट, यानी 10 लाख पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी आपको अगले 18 महीनों में देखने को मिलेगी। ओके, तो आप सब लोग तैयारी में जुड़ जाइए। तैयारी का मतलब ये है कि जो भी आपका एग्जाम होता है, चाहे वो सीईटी हो चाहे पीईटी हो, ये बेसिक एग्जाम है, और जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं उनको आप हमेशा तैयार रखिए। अब ये वैकेंसी आपकी एसएससी डिफेंस और पुलिस, एसएससी डिफेंस, रेलवे, पुलिस, इन सबको मिलाकर लगभग 10 लाख वैकेंसी आएगी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो कि मोदी जी की तरफ से आई थी। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि सर लोगों नेता लोग ऐसे कहते रहते हैं या फिर पूरा नहीं होता, तो ऐसा वो कह सकते हो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तरह का फेक होगा, ये कह सकते हो 99% श्योर होने वाली चांस है। ओके, तो चलो फिर आप सब लोग तैयारी करते रहिए और ध्यान रखिएगा आपको किसी भी तरह का। हाँ, एक चीज और भी है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अभी बीच में ब्रेक मत कीजिए। अगर आप एसएससी, रेलवे में किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस तैयारी को छोड़कर इस तैयारी के पीछे पड़ जाए कि अभी 18 महीने बाद 10 लाख वैकेंसी है, चलो इसी तैयारी शुरू कर दे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप जो तैयारी करते हैं उसको तैयारी करते रहिए। जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी फिर आपको जी जान लगाना है। ओके, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, बात समझे ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए डिसीजन लिया गया है ताकि हम लोग अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट को किसी भी तरीके से सुधारा जा सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग समय समय पे आपको वैकेंसी के बारे में अपडेट करते रहेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में से कौन सी वैकेंसी आने वाली है और किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट निकलने वाली है। ठीक है, जय हिंद।